हमारे बहुत सारे इंटरव्यू जिंदगी की तकलीफ को लेकर रहते हैं। कहाँ क्या दिक्कत चल रही है, किस तरह की बीमारी चल रही है, कहाँ कौन सा आंदोलन चल रहा है, लेकिन कभी कभी हम उससे हटकर जिंदगी की कुछ खुशियों की भी बात करते हैं। हमारे आज के मेहमान कुछ उसी तरह के हैं। वो मेरे बहुत पुराने निजी दोस्त भी हैं, हम लोग करीब करीब हम उम्र भी हैं। वो हमारे आसपास एक लगातार बहुत ही एक्टिव मौजूदगी अपनी बना कर रखते हैं, और हैरानी की बात यह है कि अभी पिछले एक दो साल के भीतर उन्होंने जिस तरह से देश के कई बड़े बड़े विज्ञापन कैंपेन में मॉडलिंग का रोल पाया है, उसने हम सब लोगों को हैरान कर दिया है। एक से एक बड़ी बड़ी कंपनी के इश्तहारों में जिस तरह से वो दिख रहे हैं, अचानक इस उम्र में पहुंचकर, और उम्र बहुत बड़ी नहीं है, हम उम्र हैं, मेरे बाल रंगे होने के कारण मैं शायद थोड़ा सा कम उम्र का धोखा दे सकता हूं, और मेरे दोस्त अधीर भगवानानी जो कि मॉडलिंग में एक बहुत ही कामयाब नाम हो गए हैं बहुत ही कम वक्त में, वो चूंकि बाल नहीं रंगते हैं, वो इसी तरह रहना पसंद करते हैं, और हो सकता है कि उनके शख्सियत के इन्हीं पहलुओं की वजह से भी उनको मॉडलिंग के लायक पाया गया हो। तो अभी पिछले दो साल में हम लोगों ने जितने राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े प्रोडक्ट के बहुत सारे इश्तहारों में उनको देखा, तो उससे मुझको ऐसा लगा कि आज हम अपने दर्शकों और पाठकों को साठे पे पाठा की इस कामयाबी के बारे में कुछ बता सकें, कुछ उनसे पूछ सकें, कुछ जान सकें। अधीर, बहुत स्वागत है तुम्हारा यहाँ पर। शुक्रिया। और हम लोगों ने अखबार के पहले पन्ने पर तस्वीर तुम्हारी मॉडलिंग की छापी थी उस वक्त, तो सच में ही बहुत खुशी हुई थी देखकर उसको कि हमारे बीच से कोई निकल के जाकर इस तरह से कामयाबी पा रहा है वहाँ पे बिल्कुल ही नए प्रोफेशन में। और मैं अधीर के बारे में परिचय कराते हुए ये भी बतलाना चाहूँगा कि अधीर के पिता पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। पाकिस्तान में वो सिंध के लरकाना जगह के थे और जुल्फिकार अली भुट्टो के निजी दोस्त थे। वो वामपंथी विचारधारा के थे, पाकिस्तान में भी और यहाँ आने के बाद भी वामपंथी विचारों के साथ वो लगातार सक्रिय रहे। अधीर की माँ अपने आखिरी वर्षों में भी बहुत उम्रदराज होकर भी वामपंथी सोच के आंदोलनों में शामिल होती रहीं। तो इस तरह का एक परिवार है जिसकी विरासत उनको मिली हुई है। एक और चीज़ मैं यहाँ बतलाना चाहूँगा, चूँकि उनके मॉडलिंग करियर और उनके ग्लैमर की ज़िंदगी के बारे में ये है, तो अधीर के बेटे ध्रुव भगवानानी ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अभिनय का रोल पा रहे हैं, और अभी कुछ ही हफ्ते पहले उनकी शादी चक दे इंडिया नाम की एक फिल्म की एक अभिनेत्री जो कि इंडियन हॉकी टीम में सबसे नौजवान खिलाड़ी का रोल कर रही थी, चित्रांशी रावत से अभी अधीर के बेटे की शादी हुई है। ये उनके परिचय का एक और पहलू है। अधीर, ये मॉडलिंग का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? शुरू मुझे लगभग सड़क के बीच से उठा के ले गए लोगों ने कि हमें तुम्हें मॉडल बनाना है। वहाँ से मॉडलिंग का सिलसिला शुरू हुआ करीब 1.5 साल पहले। ये कैसे हुआ? मैं तो बैठा हुआ था कार में अपनी पत्नी का इंतज़ार करते कहीं, और किसी सज्जन ने आके मेरी खिड़की खटखटाई कार की, और मैंने नीचे किया खांस, तो मुझसे कहते हैं आप मेरे मॉडल बनेंगे, और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है और लगातार चल रहा है और बेहद कामयाब तरीके से चल रहा है कह सकता हूँ मैं। तो वो अपने ही शहर में वो कांटेक्ट हुआ पहला? हाँ, पहला कांटेक्ट अपने शहर में ही हुआ था। हाँ। फिर वो कंटेंट उसका काफ़ी फेमस हुआ और बाहर के लोगों ने उसे देखा,
फिर मुझे दिल्ली से कॉल आया एक बड़ी कंपनी के लिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां। इस दरमियान मैंने एक बहुत नामी गिरामी फैशन मैगज़ीन में भी ने भी मेरे ऊपर 6 पेज का एडिटोरियल किया है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आमतौर पर लोग जिस उम्र में रिटायर होते हैं उस उम्र में आकर अब आप फिर से कमाऊ मेंबर बन रहे हैं परिवार का। देखिए, कमाने की बहुत ज़्यादा चिंता मेरे को इसमें आके नहीं थी, अभी भी नहीं है। बट हाँ, लोग मुझे कहते हैं कि आपको कम पैसे में या मुफ्त में काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे आपका ग्राफ नीचे होता है। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मगर फिर भी उनका अपना ओपिनियन है तो कभी उनकी बात मान लेता हूँ, कभी अपने मन की बात कर लेता हूँ और काम चल ही रहा है। ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब मॉडलिंग के एक असाइनमेंट में आपको एक परिवार पेश किया जाता है कि इस शूट में ये आपकी वाइफ हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये सेलिब्रेशन चल रहा है या ये सीन है, तो उस पूरी फैमिली से सारे लोग अलग अलग रहते हैं, कोई एक फैमिली के तो शायद नहीं रहते हैं मॉडल्स, वो तो उनके बीच में तालमेल बैठाने में और फैमिली जैसा महसूस करने में वो कैसा लगता है वो? देखिए, शूट शुरू होने के 2-3 घंटा पहले, एक्चुअल शूट शुरू होने के 2-3 घंटा पहले हमें बुला लिया जाता है, जहाँ पे हमें पूरी स्टोरी लाइन समझाई जाती है, कपड़े चेंज किए जाते हैं, मेकअप किया जाता है। उस दौरान को आर्टिस्ट से भी मुलाकात करवाई जाती है। ज़्यादातर लोग बाग एक दूसरे से खुल के मिलने में हिचकते हैं। अच्छा। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस चीज़ की कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ। इस उम्र में, और मैं सामने से खुल के सबसे बहुत अच्छे से मिलता हूँ और हंसी मजाक का माहौल बना देता हूँ। हाँ। उसका मेरा इंटेंशन सिर्फ यही रहता है कि आगे शूट में मुझे वो अपनापन कायम हो जाएगा तो काम आएगा। हाँ। तो उसमें मैं लगातार काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा हूँ। हाँ, यानी मेरा तो मानना है कि ऐसी कोशिश का एक रिजल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। बिल्कुल। तो ये वहाँ से आपको सजेस्ट नहीं करते डायरेक्टर जो रहते हैं शूट के, वो सजेस्ट नहीं करते कि एक ऐसा रैपो बनना चाहिए? बिल्कुल ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो मैंने तो खुद अपनी तरफ से किया। अब इत्तेफाक की ये भी बात है कि मैंने 2-3 शूट्स में तो लगातार सेम को आर्टिस्ट के साथ में भी काम किया है। अच्छा। उसके साथ में और भी दूसरे रहते हैं, बाकी और चेंज होते रहते हैं, बट वो मगर ठीक है, अब वो जम जा रहा, अब समझ में आ जाता है। वो एक पेयर की तरह वो प्रेजेंटेबल लगता है कंपनीज को या एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, कह सकते हैं आप। ये बतलाओ अधीर मुझको कि ये कितना मजे का रहता है? दिखने में तो बड़ा ग्लैमरस लगता है ये, कि अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप, अच्छा माहौल, ये सब, और कैमरे के सामने करना, बाद में मालूम है कि ये इश्तहार में दिखेगा या फिल्म में दिखेगा। मेहनत कितनी लगती है इसमें? चमकदार तो जब मैं भी बाद में देखता हूँ प्रोडक्ट आने के बाद में, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और चमकदार लगता है और बहुत बेहद खुशी होती है। लेकिन उसकी पीछे की मेहनत जब हम देखते हैं, हमारी एक एक शिफ्ट 12-12 घंटे की हो जाती है, जिसमें हम लोगों को बमुश्किल आधा घंटा पौन घंटा आराम करने का बीच में मिलता है, और बहुत मेहनत का काम है, बहुत कड़ा काम है। आपका मूड कैसा भी रहे, अगर सामने से डायरेक्टर कहता है कि खिलखिला के हंसो, तो आपको हंसना भी पड़ता है। तो इसमें तुम्हारा पुराना कोई एक्टिंग का तजुर्बा था स्कूल कॉलेज का जो काम आया हो? नहीं, मेरा एक्टिंग का तजुर्बा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि बचपन से थिएटर हमने देखा बहुत था। तो देखते 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 ये हो गया था कि एक तरीके से थिएटर में क्रिटिक का काम तो करने ही लग गए थे, आपसी दोस्तों के बीच में अगर लिखना ही भी रहे थे कहीं। हाँ। तो वो एक अंदाज था कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है, तो उसका कुछ फायदा जरूर मिला। कुछ बेटा बहू के तजुर्बे से कुछ नहीं, ऐसा अभी नहीं आया है काम, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। हाँ। और ये इंडस्ट्री ऐसी है, चाहे एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पर किसी के कहने से कुछ काम नहीं मिलता है।
अगर आप में एबिलिटी होगी आप नहीं, मैं उनसे सीखने की बात कह रहा हूँ, क्योंकि वो लोग ज्यादा समय से एक्टिंग में हैं। वो तो जब शूट चलता है घर पे आते हैं बच्चे तो मैं ज्यादा उनसे पूछता रहता हूँ इसको कैसा करना है, इसको कैसा करना है। हाँ, वही वो लगातार इनपुट बच्चों का तो रहता ही है। हाँ मैं ये देख रहा हूँ, पिछली बार हम लोग मिले थे शायद 6-8 महीने पहले, तब से अभी तक आपका वजन बहुत कम दिख रहा है, तो इसका क्या राज है? ये वजन मैंने कम किया है, वो जब शूट पे जाता था और वहाँ पे दूसरे को आर्टिस्ट को और खास करके लड़कों को देखता था तो इतना छरहरा उनका बदन देखता था और अपने आप को देखता था तो मुझे शर्म से आने लगी थी। मैंने कहा इस ट्रेड में, इस इंडस्ट्री में अगर रहना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने खुद से ही अपने आप से इजाद किया, कुछ कुछ डाइटिंग करी, कुछ वर्जिश करने के तरीके ढूंढे। पहले मैं कुछ ना कुछ तो हमेशा ही करता रहता था, आधा पौन घंटा, लेकिन अब मैंने उसको बढ़ा के कम दिन में 1.5 घंटा कम से कम अच्छा एक्सरसाइज के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ और डाइट बहुत तगड़ी करता हूँ। रात को बिल्कुल नहीं खाता हूँ खाना, तो आप समझ लीजिए कि मेरा खाना ब्रेकफास्ट और लंच होता है, रात को अनाज बिल्कुल नहीं छूता। अच्छा, यानी इस काम में जाने के बाद जो मोटिवेशन मिला है उसका नतीजा है ये? हाँ, मतलब अब ये ठीक है, काम की भी दरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी बेहद अच्छा, बेहद स्वस्थ अपने आप को और फुर्तीला महसूस कर रहा हूँ ये सब करने से। तो आप ये काम करें ना करें, लेकिन अगर ये कर लें तो आपको, मैं तो सबको एडवाइस दूंगा, बिल्कुल पहले की चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद ही फॉलो करता हूँ रोज 1.5 घंटे सुबह। ये बतलाव अधीर कि अभी तक जितने देखे हैं मैंने इश्तहार, वो मैगजीन में छपने वाले हैं, होर्डिंग मैगजीन प्रिंट वाले हैं, और दूसरे मैंने देखे हैं कुछ एक जो वीडियो हैं, मूवी जैसे वीडियो वाले इश्तहार हैं वो। इनके अलावा भी किसी तरह का कोई काम करने का वहाँ मौका आ रहा है कि कोई रैंप वॉक हो रहा है या कुछ, कोई फिल्म का कोई रोल है, किसी और तरह का कोई स्कोप? दोनों ही बातें चल रही हैं। रैंप अप तो मैं अगले महीने कर ही रहा हूँ दिल्ली में। हाँ, और फिल्म इंडस्ट्री ने भी मेरे को नोटिस किया है और एक दो बड़ी कास्टिंग एजेंसीज ने मेरे को कांटेक्ट भी किया है। मैंने उनको 2-3 मरतबा उनको ऑडिशन बना के भेजे भी हैं। अच्छा, ऑडिशन घर से बनाने का सिस्टम जो शुरू हुआ है वो कोविड के बाद से शुरू हुआ। अच्छा, उसके पहले हमेशा आपको जाके स्टूडियो में ऑडिशन देना पड़ता था। कोविड के बाद से इंडस्ट्री में एक नई चीज़ पैदा हुई कि सबको बुलाया तो जा नहीं सकता था कोविड के डर से, तो सबको उन्होंने कहा कि आपके पास में मोबाइल फ़ोन तो है घर पे, आप उसी से ऑडिशन करके हमें भेजिए। क्योंकि उन्हें बेसिकली खाका देखना रहता है कि ये आदमी दिखता कैसा है, बोलता कैसा है, आवाज़ कैसी है, एक्टिंग कर पाता है नहीं कर पाता है। तो ये लॉकडाउन का साइड इफेक्ट एक है ये? यस, फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म इंडस्ट्री में तो अभी वो बातचीत भी चल रही है कहीं कहीं पर। 3 ऑडिशन बना के भेजे भी हैं। हाँ, अब वो बच्चों से पूछा कि कब आएगा इसका, 4 दिन में बता देंगे क्या, 5 दिन में बता देंगे क्या? हाँ, तो बच्चों ने बताया नहीं, इसका प्रोसेस 1.5-2 महीना चलता है, उसके बाद ही आपको बताया जाएगा। हाँ, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, इंतजार में हूँ कि कोई अभी अभी तक किस किस तरह के प्रोडक्ट की मॉडलिंग की है अधीर? अभी तक मैंने केवल फैशन इंडस्ट्री का काम किया है, प्रोडक्ट मॉडलिंग में भी आया नहीं हूँ मैं। अच्छा, ये कपड़ों की ज़्यादा? हाँ, कपड़ों की, कपड़े एंड फैशन में कपड़ा ही है ज़्यादा। या एक्सेसरीज कुछ एक जो मैगजीन में 6 पेज का एडिटोरियल हुआ था, फर्स्ट लुक मैगजीन का नाम है, उसमें वो एडिटोरियल मेंस एक्सेसरीज के ऊपर ही था, तो उसमें पूरी एसेसरीज। हाँ, वो मुझको याद है, देखा हुआ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ तरह तरह के मुहिम में लगे भी रहते हो, इस करियर के चालू होने के पहले भी लगे रहते थे, इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसा पता लगा है क्या कि मेल मॉडल, फीमेल मॉडल, इनके पेमेंट वगैरह में कोई फ़र्क होता हो, ऐसा कुछ पता लगा है क्या आपको? नहीं, मैं चाहता हूँ पता लगाना इसका, मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं। अच्छा, क्योंकि मैं
किसको कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, मैं ऐसे नितांत निजी मामला मानता हूँ, तो हाँ, किसी से पूछना भी ठीक। हाँ, लेकिन कई बार खुद हो के बातचीत से भी पता लगता है। वो अभी तक बातचीत हो नहीं पाई है किसी से। अब चूंकि मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं रहती है कि मुझे कितना मिलेगा और कितना मिलेगा तो मैं काम करूंगा, तो चल रहा है अभी तो। मुझे ऐसा लगता है कि काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, पैसा जो है वो तो बाय प्रोडक्ट है। काम अच्छा होते रहेगा तो पैसा अपने आप आएगा। बहुत सही बात है ये। आपका पहला ब्रांड क्या था? पहला मेरा ब्रांड रायपुर का लोकल ब्रांड था, सूटअप का। हाँ, और बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद के ब्रांड्स? उसके बाद मैंने रेमंड्स के लिए किया, मैंने रेयर रैबिट के लिए मैंने कास्टिंग शूट किया था, फिर मैंने मिंत्रा के लिए किया, फिर फर्स्ट लुक मैगजीन के लिए मैं आया, उसके बाद मैंने शाशा गाबा एक डिज़ाइनर हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा कैंपेन किया, उसके बाद अभी एक शूट और कर लिया हूँ जो रिलीज होना बाकी है। अच्छा, वो आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ये बतलाओ मुझको, जितने कपड़े आपके साइज के सिलते हैं जिनको पहन के आप मॉडलिंग करते हो या अभी रैंप वॉक जैसे करोगे, तो बाद में इन कपड़ों का क्या होता है? वो आपको गिफ्ट में मिल जाते हैं वहाँ से या वही मेहनताना रहता है? ये मॉडलिंग में आने के बाद में सबसे ज़्यादा सवाल यही सवाल मेरे दोस्तों ने और जानने वालों ने हमेशा पूछे, कपड़े तो मुफ्त वहाँ से मिल जाते होंगे। तो एक बार सबको बता देता हूँ, नहीं जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होता। एकाध छोटी कंपनी थी तो वहाँ का ठीक है मिल गया था मुझे, बाकी उसके अलावा बड़े ब्रांड्स कोई आपको अपने कपड़ों को हाथ भी नहीं लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, वो भाड़े और ना ही हमें कोई डिस्काउंट कूपन्स भी दिए जाते हैं कि आप जाके हमारे शोरूम से खरीद लीजिए। हाँ, इट्स वेरी वेरी प्रोफेशनल। तो अभी आपका ज़्यादा काम जो है दिल्ली में हुआ कि मुंबई में भी हुआ? नहीं, फैशन इंडस्ट्री की मेन शूटिंग होती है दिल्ली या बैंगलोर। अच्छा, हाँ, ये दो ही जगह ज़्यादा है। अच्छा, फॉर फैशन इंडस्ट्री। हाँ हाँ, बॉम्बे में माइट बी प्रोडक्ट शूट वगैरह हो जाते होंगे जो इंडोर का काम है, क्योंकि आउटडोर लोकेशंस आपको दिल्ली में और बैंगलोर में ज़्यादा बेहतर मिलती है मुंबई की बनस्बत। तो ये दोनों जगह पे शूट करना हुआ? बिल्कुल दोनों जगह पे हुआ है, और ऑफकोर्स रायपुर में भी। और बेटा बहू अब मुंबई में है तो वहाँ आना जाना? नहीं, मेरा बॉम्बे आना जाना बहुत ज़्यादा अभी तक तो नहीं है ऐसा। हाँ, मेरा ज़्यादा आना जाना इस काम के सिलसिले में बैंगलोर है और दिल्ली है। अच्छा, परिवार के लोगों का क्या अनुभव रहा तुम्हारे इस नए करियर को लेकर? खुश, बेहद खुश ऐसा। और क्या कह सकता हूँ। तो कुछ टॉन्ट सुनने नहीं मिलता वहाँ? एक नया परिवार, वही बीवी बार बार रिपीट हो रही है इश्तहारों में। काम है वो, उसको काम ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अब ये बतलाओ मुझको कि जितने तरह के प्रोडक्ट को लेकर, फैशन को लेकर आपने अभी तक काम किया है, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कांटेक्ट किया कि आप हमारे लिए कुछ स्पॉन्सर कीजिए, कोई मैसेज दीजिए? देखिए, ये अच्छा आपका सवाल है, ये इसके बारे में बताऊंगा आपको कि शुरू में तो यूं ही सामने से कॉल आते गए, एक शूट, दो शूट, तीसरा शूट भी मैंने कर लिया। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप किसी एजेंसी से टाई अप कर लीजिए। हाँ, तो वो आपको बेहतर काम दिलवाएंगे और हाँ, वो आपको तौर तरीके समझाएंगे। हाँ, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो उस सिलसिले में कई जगह बातचीत चली, फिर उसके बाद में एक एजेंसी के साथ में मैंने एग्रीमेंट पिछले साल अक्टूबर में किया। अब उस एग्रीमेंट के क्लॉज में साहब ये लिखा रहता है कि आप हमसे पूछे बगैर ये नहीं कर सकते। हाँ, वो नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो कुछ भी करेंगे हमसे करेंगे, हम बताएंगे। तो मैंने उस एग्रीमेंट को साइन करने के पहले उनसे कह दिया था कि मैं किसी भी एनजीओ को, हाँ, या अगर किसी आर्टिसंस का, हाँ, आर्टिसंस का खुद का एनजीओ है, हाँ, जो खुद के लिए अपने लिए प्रोडक्ट का बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, और कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, और मुझे उनका काम और उनके प्रोडक्ट्स अगर अच्छे लगेंगे, हाँ, तो मैं उनसे
आपके इस कॉन्ट्रैक्ट से अलहदा जाकर भी काम करूंगा और मुफ्त में काम करूंगा, हाँ। ये मैंने कहा हुआ है उनको, तो उसको लेके मैंने दिल्ली जाता हूँ तो मेरी आदत है हमेशा वो जहाँ कहीं भी आर्टिसंस की एग्जीबिशन चलती रहती बिल्कुल। है मैं ज़रूर जाता हूँ, तो अब लोग बाग पहचानने भी लग गए हैं तो हाँ। लोग बाग कहते हैं तो दो चार लोगों के मैंने प्रोडक्ट हाथ में लेके बहुत अच्छा उनके लिए प्रमोशन किया है हाँ। मैंने सारे एनजीओस को बोल रखा है यहाँ हाँ। पे मैसेज भी हाँ। कि जिसको भी किसी को इस किस्म का काम बिल्कुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वीवर्स के लिए या दूसरे आर्टिस्ट इसमें कोई एजेंसी का कमीशन भी इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि आप ही भुगतान नहीं पा रहे हो। मैं भुगतान नहीं लूंगा ठीक है, तो मेरी एजेंसी ने बिल्कुल सपोर्ट किया मेरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा करेंगे। मैं इसी इस पे प्लस मैंने उनको एक कंडीशन और भी बताई थी कि मैं ऑफ कोर्स मैंने कहा मैं अपने शहर में रायपुर शहर में बहुत छोटा है हमारा शहर दिल्ली मुंबई बैंगलोर के कंपैरिजन में वहाँ का कोई अच्छा डिजाइनर आ रहा हो कुछ आ रहा हो तो मैं ऑफ कोर्स उनके लिए प्रेफरेंस दूंगा काम करने का। बहुत अच्छा मुझे काम अच्छा लगना चाहिए तो वहाँ पे फिर पैसे का अकाउंट नहीं करूँगा मैं, ये बात हुई थी। ये जो शेड्यूल बतलाते हैं आप 12 घंटे का शेड्यूल रहता है टायरिंग रहता होगा इतना ये शेड्यूल, तो इतना काम करने की तो आदत आपकी लंबे समय से छूटी हुई थी बिल्कुल, तो ये डिसिप्लिन एक नया पकड़ना पड़ रहा है लंबे समय बाद हाँ, तो शायद स्कूल वगैरह के बाद उसमें भी नहीं रहा होगा 12 घंटे का शेड्यूल। ये जो एक्सरसाइज का शेड्यूल मैंने बढ़ाया डेढ़ घंटा दो घंटा उसमें मदद मिल रही है वो फिटनेस लेवल ऊपर ले जाने के लिए ले गए हैं तो हो जाता है, लेकिन आपको बताऊं मैं कि शूट खत्म होने के बाद जब आप अपने घर आते हो या जहाँ भी ठहरे हुए हो वहाँ पहुँच के जब आप जूता उतारते हो तो कई मरतबा ये होता है आप पैर ज़मीन पर रख नहीं सकते, इतने दुखने लग जाते हैं आपको, लगातार आपको दिन भर खड़े रहना ये चेंज वो चेंज यहाँ जा वहाँ जा तो टायरिंग तो बहुत है हाँ। लेकिन ये मौका भी बहुत कम लोगों को मिलता है जो आप कर रहे हैं जितना काम इतना काम करने का मौका भी कम लोगों को मिलता है कह सकते हैं, लेकिन आजकल देख रहा हूँ मैं कि उम्र दराज मेरी उम्र के काफ़ी नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड में। आपसे एक करीब करीब एक पीढ़ी आधा पीढ़ी बढ़े तो हैं ही अमिताभ बच्चन, उनको 12 घंटे 16 घंटे काम करते सभी लोग देखते हैं, कभी कभी 3 बजे घर लौटते हुए ट्वीट करते हैं तो कभी 7 बजे घर से निकल के वो इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं, तो ये लत तो लगी है मुझे भी इसमें आने के बाद से, सोशल मीडिया में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हाँ। जो अब लगने लगा है कि थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन ग्लैमर की दुनिया की हो सकता है एक ज़रूरत भी हो, जिन हाँ। जिन ब्रांड्स को आप प्रमोट कर रहे हो सकता है उनको अच्छा लगता हो कि वहाँ प्रमोशन मिले, वो इस ट्रेड में इस इंडस्ट्री में बताया गया है कि आपको कंटिन्यूसली सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है, आप कुछ न कुछ उसमें डालते ही रहना है तो आपको लोग बाग आपके नजर में बिल्कुल देखते रहते हैं। मैं भी जब इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो सबसे पहले तुम्हारा पेज दिखाता है वो, चूंकि देखते रहता हूँ इसलिए आप मुझे फॉलो करते हो हाँ नहीं नहीं तो अधीर आज की बातचीत छोटी है लेकिन बहुत अच्छी रही, बहुत क्रिस्प रही, मुझे भी मजा आया और हम 6 महीने के बाद में फिर आपके कुछ एक और तजुर्बों के साथ बिल्कुल हम लोग फिर यहाँ बैठना चाहेंगे। एक छोटी सी बात और हाँ, बिल्कुल आपके माध्यम से हाँ, आपके देखने वाले दर्शकों के लिए हाँ, यंगस्टर्स के लिए हाँ, कभी भी किसी को भी ऐसा लगता है कि आपको मुझसे आके कुछ पूछना हो कुछ जानना हो इस इंडस्ट्री में ट्रेड में आने के लिए तो यू आर मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा मैं आपके आपके सवालों के जवाब दे पाऊंगा इसकी मुझे बेहद खुशी होगी। बहुत अच्छा, मैं एक चीज और चाहूंगा, एक मैसेज आप और दो, मैंने तुमको देखा हुआ है कि लंबे समय तक तुम स्मोकिंग करते रहे उसके बाद छोड़ दिया, तो वो किस तरह से छोड़ा है उसके क्या बेनिफिट्स हैं मैं चाहता हूँ इस बारे में भी आप आधा मिनट एक मिनट में बोलो, उससे भी फायदा मिलेगा सबको। आपने बहुत अच्छी बात करी, आपको बाकी की चीज़ें तो जाने दीजिए जो होगा वो तो उसके अलग रिपरकशंस होते हैं, आप किसी भी किस्म के नशे में अगर हैं तो आपकी शक्ल बेहद बदसूरत होती चली जाती है धीरे धीरे, इस चीज़ का मैंने
एक्सपीरियंस किया हुआ है। और अभी मैं अभी शूट में था दिल्ली में, और दिल्ली में एक बहुत बड़े मेरे से काफ़ी सीनियर इन नंबर ऑफ ईयर्स इस ट्रेड में को आर्टिस्ट थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी नशे के बारे में और तंबाकू और शराब के बारे में। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि आप सिगरेट और शराब अगर लगातार बहुत लंबे समय तक पीते रहेंगे तो आपका चेहरा इतना ख़राब हो जाएगा कि आप इस फील्ड में तो कभी नहीं आ सकते। तो ऑल आई कैन से टू द यंगस्टर्स इज दैट कीप अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हैबिट लाइक दैट ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग। लेकिन एक दूसरी चीज़ और, चेहरे से परे भी जिनको मॉडलिंग में नहीं जाना है उनके लिए भी बिल्कुल, यानी चेहरा कम खराब होता है, फेफड़े ज़्यादा खराब होते बिल्कुल, हैं बिल्कुल कोई बात नहीं। तो मैं उसको रिमाइंड करना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तकरीबन 12 साल से अधिक हो गया है मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है। एक ज़माना ऐसा था कि लोग मुझे हाथ में बगैर सिगरेट के या स्मोकिंग करने के बगैर कभी किसी ने लोगों ने देखा नहीं था, मैं इतना स्मोक किया करता था। और तब मुझसे 15 मिनट चलने में भी दिक्कत जाती थी, और आज मैं लंबे लंबे वॉक्स की तो बात छोड़िए, अगर चाहता हूँ तो दौड़ भी लेता हूँ। बहुत बढ़िया। और 25-25 30-30 किलोमीटर की साइकिलिंग भी कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। जबकि उस समय मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा कुछ करने। हाँ। सो बिल्कुल सिगरेट से तो और तम्बाकू के किसी भी फॉर्म से, चाहे खाने का हो चाहे बिल्कुल पीने का हो, उससे दूर रहें। ठीक है अधीर, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन विद अ ग्रेटर सक्सेस। जल्दी देखेंगे, जल्दी मिलेंगे फिर से। आप लोगों के सामने अधीर से इतनी बात हुई, हम लोग बहुत पुराने दोस्त भी हैं, वैसे भी मिलते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन इन बातों को मैं आपके साथ भी बांटना चाहता था, इसलिए हमने आज ये बात यहाँ पर रखी। अगली बार हम किसी और मेहमान के साथ किसी और मुद्दे पर बात करते आपके सामने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।